सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय तो फिर बात करते हैं आईसो स्पीड के बारे में। तो आईसो स्पीड आपको पता होगा विराट कोहली के कितने बड़े फैन है। रिसेंटली वो मैच देखने आए थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, आपको पता होगा, जहाँ पे रोहित शर्मा ने काफी अच्छा खेला था। इसके बाद जो है वो रोहित शर्मा के भी फैन हो गए। यस, वो तारीफ कर रहे थे ना अपने रिसेंट स्ट्रीम में रोहित शर्मा के बारे में, आप देखिए। नंबर 45 y'all, roach on the Indian team, I'm not going to fuck about, bro. That guy is like a fuck. How can I compare that to a Ronaldo and a Virat Kohli? Bro, number 45 Roach is like a, he's like a Gareth Bale, Benzema. He's like a Gareth Bale, Benzema, like a Ronaldo and a Marcelo duo. रोहित शर्मा को जो 3 चालान इशू किए गए, ठीक है, फॉर ओवर स्पीडिंग एट द मुंबई पुणे हाईवे। वो भाई 200 किलोमीटर पर आवर क्रॉस कर रहे थे यार, इतना स्पीड में थे वो। यस, इसलिए 3 चालान इशू किए गए। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात करते हैं, राज कुंद्रा के बारे में। तो राज कुंद्रा आपको पता होगा वो काफी टाइम से मास्क पहन के घूमते थे, क्योंकि वो एक बार अरेस्ट हुए थे, आपको पता होगा, क्योंकि उनको जो 2021 में अरेस्ट कर लिया गया था फॉर क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिल्म्स थ्रू एप्स। एंड जब से वो जेल से बाहर निकले तब से वो मास्क ही पहनते। वेल, वो तो एक पब्लिसिटी स्टंट निकला, क्योंकि उनका एक फिल्म आ रहा है UT69 करके, जिसका जो ट्रेलर आउट हो चुका है और जो उनका एक क्लिप अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, आप देखिए। हमारा देश एंजॉय करता है, कहते हैं ना दो चीजें बिकती है इंडिया में और बॉलीवुड में, शाहरुख और तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, एक वायरल रील गर्ल के बारे में। इसका नाम मेरे को पता नहीं है, ठीक है, काफी ज्यादा वायरल वगैरह हो रही है ट्विटर पे। बेसिकली सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं ना, वो कहीं मेट्रो में जाके डांस कर रही होती है, बस में जाके। अभी तो उनका एक वीडियो आउट हुआ जहाँ पे वो पूरे पब्लिक के सामने नाच रही है ना। यहाँ पे दीपिका नारायण भारद्वाज लिखी, रील्स हैव रुइंड अ जनरेशन। नीचे भी काफी ज्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे, काफी ज्यादा हेट मिल रहा है वो लड़की को, बता दो। और जो एक और वायरल वीडियो है, ठीक है, एक लड़की का, इसको लेकर भी काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, आप देखिए। तो मैं गई थी बादशाह के कॉन्सर्ट, बट जब हम लोग चेक इन लाइन में लगे थे तो मुझे दिख रहे थे वहाँ पे एक बहुत ही टॉल एंड हैंडसम पर्सनालिटी वाला लड़का। अफसोस हमें चेक इन लाइन में बात करने का मौका तो नहीं मिला, बट जब हम लोग हॉल में पहुंचे तब वो वहाँ पे ऑलरेडी खड़े थे। एंड जब फाइनली मेरी कजन ने मेरे लिए उनका इंस्टाग्राम लेने का ट्राई किया तो उन्होंने बोला कि उनका इंस्टाग्राम नहीं है। तो कुछ देर बाद वो निकल रहे थे हॉल से बाहर, तो मैंने बोला इंस्टा नहीं तो नंबर सही, और वो नंबर लेने के लिए मैं भागी थी उनके पीछे। और पीछे भागने के बाद क्या हुआ? आपका नाम क्या है? राघव। उधर देखना है क्योंकि मैं फ्लस्टर हो जाऊंगी अगर आप इधर देखेंगे तो। ओके, कि मेरे को एक लाइन बोलनी थी आपको, ठीक है? आप एकदम ऐसे लंबे हैं, यू नो, टॉल एंड गाइस, यू नो, सो एक तरफ माँ है दूसरी तरफ चाह है, एक तरफ माँ है दूसरी तरफ चाह है, अपनी तरफ से बोल दीजिए मिस्टर, क्योंकि हमारी तरफ से हाँ है। एक ट्वीट आप देख सकते हो, लड़का करता है ऐसा तो सोशल मीडिया पर लाइक्स नहीं लानत मिलती। नीचे भी काफी सारे लोग ऐसे कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, उर्फी जावेद के बारे में। उर्फी जावेद को अभी काफी बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि वो अपने को ना केले के छिलके से ढकती है। यस, वो फोटो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और उनका ना कुछ तो नेक में इशू हो गया, ठीक है, तो इसलिए वो जो नेक सपोर्ट बेल्ट पहनी हुई है, तो ना बहुत सारे लोगों को लगा कि वो जो एक आउटफिट है उनका, क्योंकि आपको पता होगा वो जो अजीबोगरीब आउटफिट पहनती रहती है। तो वो लिखी, द फनी पार्ट इज एवरीवन थिंकिंग दिस इज अ पार्ट ऑफ माय आउटफिट। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात करते हैं, किक स्ट्रीमर के बारे में। उन्हें एक रेस्टोरेंट में जाते, ठीक है, एंड वहां पे जो टिप जार रहता है, टिप जार बेसिकली क्या होता है ना कि रेस्टोरेंट में रहता है, एंड वहां पे ना आप टिप वगैरह दे सकते हो, पैसे देते हैं लोग, वो आपकी मर्जी होती है, बता दूं। तो वो टिप जार से ना वो किक स्ट्रीमर क्या करता है, पैसे चुराता है एंड उसी रेस्टोरेंट से फूड खरीदता है। ऑफ कोर्स काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस किक स्ट्रीमर को। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात करते हैं, इंडिगो के एक फ्लाइट के बारे में, जो कि सिंगापुर से बेंगलुरु आया, ठीक है, बट उसको जो रिटर्न जाना पड़ा क्योंकि जो एयरलाइन स्टाफ थे वो ना लगेज वगैरह निकालना भूल गए थे फ्रॉम इट्स लास्ट ट्रिप, तो इसलिए फ्लाइट को रिटर्न जाना पड़ा, लास्ट ट्रिप के जितने भी लगेज थे उसको देना पड़ा। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात करते हैं, उर्वशी रौतेला के बारे में। जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने उर्वशी रौतेला भी गई थी, एंड वहीं पे वो अपना 24 कैरेट गोल्ड आईफोन खो देती है। तो जिसने भी वो फोन चुराया, क्या वो बंदा मिल चुका है? क्योंकि ना किसी ने उनको मेल किया था, आई हैव योर फोन, इफ यू वांट इट यू विल हैव टू हेल्प मी सेव माय ब्रदर फ्रॉम कैंसर। यहाँ पे होता है कि उस बंदे के पास उनका फोन है, अगर उनको वो फोन चाहिए देन फिर उसका जो भाई है जो कैंसर से सफर कर रहा है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उर्वशी रौतेला एक इमोजी दी है, आप देख सकते हो, यहाँ पे शायद से वो बोल रही है ठीक है करके। और जहाँ पे फोन चोरी का बात हो रहा है तो बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। फुकरा इंसान का भाई चोरी हो गया 1.5 लाख रुपए। यस, इसके बारे में रिसेंट व्लॉग में बताया, आप देखिए। भाई मैं 1.5 लाख रुपए लेके आया हुआ था, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ में पैसे लेके आया था, क्योंकि मैंने आईफोन लिया था यहाँ पर गिफ्ट करने के लिए, तो उसकी कुछ पेमेंट देनी थी, और मैं 5-7 दिनों के लिए मुंबई आया था तो मैं उसके लिए भी पेमेंट लेके आया था पैसे। एंड आई सी मेरे बैग में पैसे है ही नहीं, खाली। भाई जेन्युइन मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है। मुझे पापा ने निकलते ये बात बोली थी कि भाई पैसे ध्यान से रखियो, संभाल लियो। एंड आई वाज लाइक हां, कोई दिक्कत नहीं, आई नेवर एक्सपेक्टेड ऐसा होगा। मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं बोलूं कैसे, क्योंकि मैं सिक्योरिटी चेक इन से निकला, बैग मेरे पास था और भाई पैसे नहीं है यार, क्या बोलूं।
बोलूं क्या, मतलब समझ नहीं, सिक्योरिटी चेक इन निकला, वहां से मैं मैकडी पे रुका खाना खाने के लिए, मैकडी से खाना खाने के लिए मैं गोल्फ कार्ट पे बैठा, गोल्फ कार्ट से मैं सीधा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे मैंने प्लेन के अंदर मैंने बैग रख दिया था, सोने के सो गया था मैं, बट प्लेन में तो कोई लेगा नहीं पैसे। उसके बाद प्लेन से सीधा कैब, कैब्स आए थे बीच में और अब रूम में, और मेरे पास पैसे नहीं है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात, प्लेन के बारे में। क्लिप अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो एकदम हवा में ना ही चल रहा है वो प्लेन, ऐसे एकदम से रुका हुआ है ना वो प्लेन। ये देख के भाई लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज है, मतलब काफी ज्यादा शॉक्ड है ना कि ये कैसे हो सकता है। बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो वो सैन फ्रांसिस्को से। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी अपने चैनल पर कर लिया 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए जो अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किए थे आप देख सकते हो, सो यस ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू हिम। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में। जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कंप्लेन किया फॉर अहमदाबाद क्राउड बिहेवियर। यस, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था वहां पे जो क्राउड थे उनके बिहेवियर को लेकर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कंप्लेंट किया था ना, तो अभी बताया जा रहा है कि आईसीसी कोई भी एक्शन नहीं लेगी अगेंस्ट पीसीबी कंप्लेंट। और जो पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर है दानिश कनेरिया, उन्होंने पीसीबी के ऊपर रिएक्ट करा, वो जो कंप्लेंट किया था ना आईसीसी को उसके ऊपर, उन्होंने कहा किसने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जैनब अब्बास को कमेंट करने के लिए कहा था अगेंस्ट इंडिया एंड हिंदूज, किसने मिकी आर्थर को आईसीसी इवेंट को बीसीसीआई इवेंट बोलने के लिए कहा था, किसने मोहम्मद रिजवान को मैच के बीच में नमाज पढ़ने के लिए कहा था। बेसिकली यहाँ पे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है दूसरा गलती ढूंढने के लिए मना की, उनका कहना यह है कि हमारी भी गलती है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, यो यो हनी सिंह के कला स्टार के बारे में। तो ये म्यूजिक वीडियो बता दूं काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। यो यो हनी सिंह अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किए थे, फास्टेस्ट 100 मिलियन प्लस व्यूज सॉन्ग प्लस टीजर, हैशटैग #1 ट्रेंडिंग इन 26 कंट्रीज, ट्रेंडिंग नंबर 1 इन एप्पल म्यूजिक एंड 9 स्ट्रीम्स, कला स्टार बैक फॉर द सेकंड चैप्टर। फिर हनी सिंह लिखे, थैंक यू गाइस, यू मेड दिस हैपन अगेन, मच लव एंड थैंक्स टू माय फैंस। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते, बिग बॉस के बारे में। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने जब मना किया फॉर द अनऑथराइज्ड स्ट्रीमिंग ऑफ बिग बॉस, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा बिग बॉस एक बहुत पॉपुलर शो है एंड उसके कंटेंट को किसी और प्लेटफॉर्म में या फिर वेबसाइट में या फिर यूट्यूब में अपलोड करना या फिर लाइव स्ट्रीम करना इज एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कॉपीराइट। काफी सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिन्होंने अपना डोमेन नेम बिग बॉस से रिलेटेड रखा हुआ है एंड वो जो उनके प्रोग्राम यानी कि कॉन्टेंट को ब्रॉडकास्ट भी करते हैं इन एन अनऑथराइज्ड मैनर, तो वो सब करने के लिए अभी मना किया दिल्ली हाईकोर्ट ने। अगर कोई करता है तो फिर कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह पड़ जाए, ऐसे स्क्रीनशॉट्स वगैरह तो लगा सकता है, ऐसे क्लिप वगैरह नहीं डाल सकते। अलसो आपको बताऊंगा बिग बॉस में जो अभी काफी सारे यूट्यूबर्स वगैरह जा रहे हैं तो उसी से रिलेटेड ना मनोज ने एक ट्वीट किए थे, बिग बॉस में जो भी यूट्यूबर्स अभी जा रहे हैं ना उनका मेन मकसद है ज्यादा फेम कमाना जिससे ज्यादा व्यूज आएंगे, पर ये चीज कभी उल्टी भी पड़ सकती है। पता चला पहले से और व्यूज डाउन हो गए चैनल के और चैनल फ्रीज हो गया, बिकॉज लोग यूट्यूब चैनल के फैंस नहीं होते, वो उस चैनल के क्रिएटर के फैन होते हैं, लोगों को उन्हें देखना है ना कि उनके दोस्त भाई या बहन। क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में, कमेंट करके जरूर से बताएं। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते, हार्दिक पांड्या के बारे में। तो हार्दिक पांड्या ने रिवील किया जब भी प्लेइंग 11 दिखाया जाता है ना ड्यूरिंग द टीम मीटिंग इन ड्रेसिंग रूम, मतलब कि कौन है प्लेइंग 11 में, तो ना प्लेयर्स के पुराने एंड चाइल्डहुड पिक्चर्स को दिखाया जाता है। वो कहे ड्रेसिंग रूम का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही अच्छा, लाइट एंड फन, वी आर प्लेइंग एज यूनिट एंड टुगेदर। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते, शिखर धवन के बारे में। तो शिखर धवन ने अपने बेटे के साथ जो वीडियो कॉल किए थे उसका वो पिक्चर शेयर किए थे। बता दूं रिसेंटली फैमिली कोर्ट ने जो है शिखर धवन और उनकी वाइफ का डाइवोर्स को ग्रांट कर दिया, तो ऑफकोर्स उनके जो बेटे है वो उनके वाइफ के पास। तो नीचे कैप्शन में वो लिखे, एक अजीब सी बेटा भी है तेरे बिन, रह भी लेते और रहा भी नहीं जाता। शिखर धवन ने भाई बहुत कुछ सहा है, ठीक है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते, राउंड 12 के बारे में। राउंड 12 का जो न्यू वीडियो उसका एडिटिंग हो रहा है अभी। यस, रिसेंटली उन्होंने टीजर भी अपलोड किया था आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम पर, तो अभी एडिट हो रहा है वो वीडियो, शायद से बहुत जल्द आ जाएगा ना, 2-3 हफ्ते या फिर 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा उनका न्यू वीडियो। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते, स्टारबक्स के बारे में। तो स्टारबक्स ने उनके एक एम्प्लॉय को फायर कर दिया, ठीक है, निकाल दिया। वो जो एम्प्लॉय थी उसने क्या की ना, स्टारबक्स के जितने भी ड्रिंक्स के रेसिपी है वो सब कुछ वो लीक कर दी सोशल मीडिया पे, काफी भारी पड़ गया भाई स्टारबक्स को। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते, एक्स के बारे में। एक्स आपको पता ही होगा ट्विटर का नया नाम है। तो आपको बताओ ट्विटर पे अगर आपको वेरीफाइड होना है देन फिर आपको 699-700 कुछ पे करना पर मंथ। तो एक्स ना अभी $1 एनुअल सब्सक्रिप्शन फी लेंगे फॉर न्यू यूजर्स। यस, अगर आप नए यूजर हो देन फिर आपको $1 पर ईयर देना होगा। इसका अभी टेस्टिंग चल रहा है बता दूं न्यूजीलैंड एंड फिलीपींस में, अभी इंडिया में टेस्टिंग नहीं चल रहा है। अब ऐसा इलॉन मस्क ने क्यों किया, टू रिड्यूस स्पैम एंड बॉट अकाउंट्स ऑन द प्लेटफॉर्म। वैसे ये अच्छा तरीका है स्पैम एंड बॉट अकाउंट्स को हटाने का प्लेटफॉर्म से। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, मुंबई पुलिस के बारे में। तो मुंबई पुलिस ने रविंद्र जडेजा एंड हार्दिक पांड्या का एक क्लिप शेयर किया जहां पे हार्दिक पांड्या बोलते हैं ना, क्या तुम कॉल में हो तो फिर डिस्कनेक्ट करो घर। तो उसी को मुंबई पुलिस शेयर किए टू रेज अवेयरनेस अबाउट हाउ पुलिस विल रिएक्ट इफ यू आर टॉकिंग ऑन फोन व्हाइल ड्राइविंग। मतलब कि ड्राइव करते टाइम अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो फिर पुलिस वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसे हार्दिक पांड्या रिएक्ट करे ना, अगर कॉल पे बात करो देन फिर डिस्कनेक्ट कर दो। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते, पुणे के एक सब इंस्पेक्टर के बारे में जिन्होंने जो रिसेंटली 1.5 करोड़ रुपए जीते, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11। बट अभी जो उनको सस्पेंड कर दिया गया फ्रॉम हिज ड्यूटी, वो बता दूं रायट कंट्रोल टीम में जो पोस्टेड थे, यहाँ पे दो अलग अलग इशूज है, ठीक है, वन इज द लीगैलिटी ऑफ हिज एक्शंस एंड द अदर इज द इशू ऑफ कंडक्ट। तो इसी रीजन से उनको जो सस्पेंड कर दिया गया। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।